जय हिंद। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉनवैक्स लेंस। तो कॉनवैक्स एंड कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉनवैक्स लेंस को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, कॉनकेव लेंस को हमने राइट हैंड साइड पर लिख रखा है। पहला पॉइंट क्या है कॉन्वेक्स लेंस में कि इट इज अ थिक इन अ मिडिल एंड थिन एट इट्स पेरिफेरी। देखो ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, थिन है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, थिक है। ये जो पार्ट है इसको पेरीफेरी बोलते हैं। ऐसे अगर हम ऐसे दिखाएं तो लेंस बेसिकली ऐसे होता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ किनारे पर ये पतला होता है, ये लेंस पतला होता है, तो इसे बोलते हैं पेरीफेरी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पेरीफेरी। तो पेरीफेरी पर क्या होता है, थिन होता है, और बीच में थोड़ा सा ये उभरा हुआ बल्गिंग सरफेस होता है, और ये बल्गिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं कि ये थिक पार्ट है। क्या है ये, थिक पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इट इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट इट्स पेरिफेरी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि थिक कौन सा पार्ट है और थिन कौन सा पार्ट है, क्योंकि लेंस आप पढ़ चुके हो कि किस तरीके से बनता है। और ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को ऐसे भी बना लो आप। तो कह रहा है कि ये जो बल्गिंग सरफेस है, उभरा हुआ सरफेस है, थोड़ा सा थिक है, मोटा है, यानी एंड पर पेरिफेरी पर अब मोटा है ये लेंस, ये थोड़ा सा क्या है, थिक पार्ट है ये पेरिफेरी पर, पेरिफेरी पर। और बीच में जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर पार्ट कैसा है, थिन है, वो सेंटर पार्ट थिन है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये पार्ट थिक होता है, ये पार्ट क्या होता है, थिक होता है, और ये सरफेस क्या होता है, वो थिन होता है। ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, और ये होता है कॉनवैक्स लेंस। सेकंड क्या है, इट कन्वर्ज द इंसिडेंट रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट कॉन्वैक्स लेंस पर आती है तो कॉन्वैक्स लेंस उस लाइट को कन्वर्ज कर देती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी पैरेलल लाइट आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये कन्वर्ज कर देती है, ये कन्वर्ज कर देती है प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरीके से। इसमें कह रहा है कि इट डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि अगर इस पर कोई लाइट आती है, कॉनकेव पर कोई लाइट ऐसे आती है, तो ये उस लाइट को डाइवर्ज कर देता है अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाला जो लेंस होता है ये डाइवर्जिंग एक्शन का होता है। ये लेंस का कौन से एक्शन का होता है, डाइवर्जिंग एक्शन का होता है। ये वाला लेंस कौन से एक्शन का होता है, कन्वर्जिंग एक्शन का। तो ये डाइवर्जिंग एक्शन का और ये कन्वर्जिंग एक्शन का। नेक्स्ट क्या है, इट हैज अ रियल फोकस, इसके पास रियल फोकस होता है। देखो ये लाइन, ये लाइट जो रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये रियल में मीट कर रही है, रियल में। इट इज वर्चुअल फोकस, ये देखो ये डाइवर्ज हो गई लाइट, अब डाइवर्ज हो गई तो ये कहीं भी इस लाइट से मीट नहीं करेगी, तो हमको पीछे की ओर इसको क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल है ये, क्या है, वर्चुअल मीट की है ये, वर्चुअली मीट की है ये, ठीक है। तो वर्चुअली मीट की है तो इसका फोकस वर्चुअल होगा, ये रियल में मीट की है तो इसका फोकस रियल होगा, ठीक। तो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉनवेक्स लेंस, ठीक है बेटा, ओके।